हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नीट 2020 के स्टूडेंट के लिए एक नया अपडेट आया है। एमसीसी ने जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है उसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। तो हम काउंसलिंग एक बार देख लेते हैं शेड्यूल क्या है। तो राउंड फर्स्ट उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 27 अक्टूबर को और ख़त्म होगा 2 नवंबर को, 2 नवंबर 2020, और टिल 5 PM, जो मतलब एमसीसी की वेबसाइट पे टाइम जो उसमें उन्होंने जो टाइम है उसी हिसाब से। और पेमेंट फैसिलिटी भी 2 नवंबर तक ही है। फिर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग प्रोसेस जो फर्स्ट राउंड के लिए है वो 28 अक्टूबर से 2 नवंबर टिल 11:59। फिर सीट अलॉटमेंट जो फर्स्ट राउंड की होगी वो होगी 3 और 4 नवंबर। फिर उसका जो मेरिट लिस्ट और रिजल्ट आएगा वो 5 नवंबर को रिजल्ट आएगा। और आपको जो फर्स्ट राउंड में जिनको सीट अलॉटमेंट हो गई है उनको कॉलेज पे रिपोर्ट करना होगा 6 से 12 नवंबर, मतलब आपको 7 दिन मिलेंगे उसमें। फिर जो सेकेंड राउंड शुरू होगा उसका रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट 18 नवंबर 2020 टिल 3 PM एज पर सर्वर टाइम। और पेमेंट फैसिलिटी भी 22 नवंबर 2020 तक है, आपको 5 दिन का समय मिलेगा उसमें। फिर सेकेंड राउंड का चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 11 नवंबर 2020 22 नवंबर टिल 11:59, आपको 4 दिन का समय मिलेगा। फिर चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 3 PM ऑफ 22 नवंबर 2020 टिल 11:59 PM ऑफ 22 नवंबर 2020। फिर आपको सीट अलॉटमेंट होगा वो 23 नवंबर और 24 नवंबर, आपको 2 दिन का समय मिलेगा। फिर उसका रिजल्ट 25 को है। और अगर सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट हो गई तो आपको रिपोर्टिंग करना है विद इन 7 डे, 26 नवंबर टू 2 नवंबर। फिर जो सेकेंड राउंड में जो स्टूडेंट अपनी मतलब कॉलेज पे रिपोर्ट नहीं किया है और जो सीट बाकी है वो मॉपअप राउंड से भरी जाएंगी। और वो स्टार्ट होगा 10 मॉपअप राउंड स्टार्ट होगा डीन यूनिवर्सिटी के लिए और ESIC और एम्स एंड जिपमर ओनली, मतलब इन कॉलेजों के लिए होगा। वो 10 दिसंबर 2020 टू 14 दिसंबर 2020 3 बजे तक होगा एज पर सर्वेंट टाइम। और पेमेंट फैसिलिटी 14 दिसंबर 2020 तक अवेलेबल होगी। फिर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 11 दिसंबर टू 14 दिसंबर, 4 दिन मिलेंगे। फिर चॉइस प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट मॉप राउंड के लिए 15 और 16 दिसंबर और उसका रिजल्ट 17 दिसंबर को। और अगर मॉपअप राउंड में अगर आपको मिल जाता है तो आपको 18 दिसंबर टू 24 दिसंबर तक आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कॉलेज में अपनी सीट के लिए। और अगर इसमें भी अगर कोई सीट बाकी रह जाती है तो वो स्टेट कोटा में ट्रांसफ़र की जाएंगी। थैंक यू।